आप लोग तो थंबनेल देख के आए हैं, तो हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं। चलिए, ये देखिए मेरी छोटी वाली का गले में रेसिस था और ये अभी रिकवर हो रहा है, ठीक हो रहा है। तो चलिए, मैं ये इसे कैसे साफ़ करती थी, कैसे मैं इसको सा मतलब कैसे दवाई लगाती थी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि वो ये अभी ठीक हो रहा है। छोटा बड़ा, हेलो, गुड मॉर्निंग। तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम का कमी है, क्योंकि दोनों बच्चे आजकल जल्दी नहीं सोते दिन में, और फिर घर पे कोई ब्लॉग बनाने के लिए होता नहीं है कैमरा पकड़ने के लिए, तो नहीं बना पाती हूँ। और मैं भी खुद से शूट करने खोजती हूँ, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है, तो मैं नहीं बना पा रही थी। और आज टाइम निकाल के मैं बना रही हूँ, और आज थोड़ी सी वीडियो लंबी हो तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं आज टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। और ये देखिए, बहुत बातें करते बहुत ज़्यादा। और फिर मैं आज आपसे उन लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरी छोटी वाली मैया का है ना, यहाँ पे गले में ना रेसेस पड़ गए हैं, और रेसेस इस वजह से होते हैं क्योंकि वहाँ पे हवा पास नहीं होता है ना, तो फिर इस वजह से वहाँ पे मतलब चमड़ा छिलने लगता है, तो फिर वो एकदम पिंक पिंक रेड रेड टाइप दिखता है। और वैसे ही मेरी छोटी वाली बेटी का हुआ था, और मुझे बहुत ख़राब लगता था, लेकिन मैं क्या करती, बस वही। तो फिर हम लोग 3 से 4 बार तक हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए, दूसरी बार में भी हम लोग को कुछ कुछ दवाई दिए थे, लेकिन उससे हमारी बेबी इसका ठीक नहीं हो रहा था। तो उसके बाद फिर हम लोग 4थी बार लेके गए थे डॉक्टर के पास, तो फिर हम लोगों को जो दवाई सब लेके दिए थे, लेने के लिए बोले थे, वो सब मैं आप सबसे शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से थोड़े से भी कुछ भी हेल्प मिले, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और फिर लाइक कर दीजिएगा, और फिर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? उससे मुझे खुशी होगी, और फिर और मुझे और भी वीडियोज़ बनाने के लिए और भी कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो मेरे वीडियो से कुछ तो आप लोगों का हेल्प हो रहा है, तो मैं मुझे और भी अपलोड करने में और भी खुशी मिलेगी। हमें गले को बिल्कुल भी पानी से साफ नहीं करना है। देखिए मैं जैसे कर रही हूँ, सबसे पहले मैं पाउडर लगा रही हूँ, और पाउडर से हल्के हल्के हाथों से मैं सब तरफ फैला रही हूँ, वैसे आप लोगों को करना है, क्योंकि अगर हम लोग पानी करते हैं ना, तो पानी सूखने में टाइम लगेगा, और टाइम के हम लोग उसको सूखा भी नहीं सकते ना, तो इसलिए हम लोग पानी से बिल्कुल भी साफ नहीं करेंगे। ऐसे पहले पाउडर लगाएंगे, और ये जेल वाला दवाई है वो मैं इसके ऊपर ही लगाऊंगी। अब दोनों हाथ पकड़ना भी सीख गई, और देखिए कैसे पकड़ी हुई है। ये भी मैं सबसे पहले आपको हैंड वॉश कर लेना है हाथ में, क्योंकि हम लोग का कुछ भी गंदा रहता है ना, इसलिए हमें अपना हाथ साफ करके ही लगाना है। ऐसे देखिए हल्के हल्के हाथों से लगा देना है। ये पाउडर मैं यूज करती हूँ। कैमरा फोकस करो भाई। और जो हम लोग दवाई लगाते हैं उसे भी तो रिमूव करना पड़ेगा ना दूसरी बार लगाने के लिए। तो आप देखिए मेरा वीडियोस में देखिए, मैं पाउडर लगाई, उसके बाद मैं हल्के हल्के हाथों से रगड़ के निकाल रही हूँ। वैसे ही आपको भी करना है। पानी का बिल्कुल यहाँ पे यूज नहीं करना है, क्योंकि पानी अगर लगाएंगे तो हम लोग सूखेगा नहीं, वहाँ पर ड्राई नहीं होगा, तो इसलिए आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं ना, एकदम बढ़िया। और इससे आपका जल्दी आप बेबी का ठीक हो जाएगा। वैसे ही अभी ठीक हो रही है, पहले बहुत ही ज़्यादा रेड रेड दिखता था, बहुत डरावना सा दिखता था, कभी कभी तो ब्लड भी आ जाता था, और बहुत ख़राब लगता था। ये देखिए बहुत आसानी से निकल रहा है ना। इसे बहुत अच्छी तरह से साफ भी हो जाता है, उसके बाद अच्छे से सूखा भी रहता है। तो आज का ब्लॉग बस मेरा इतना तक ही था। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। बाय बाय।